लाला चंदनपुर गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास एक आम का बगीचा था। आसपास के 7 गांव में लाला के बगीचे के आम सबसे ज्यादा मीठे और रसीले थे। सभी उसे आम वाला लाला कहकर बुलाते थे। लेकिन लाला बहुत ही खड़ूस और घमंडी था। शिव, हरिया और रमेश के खेत लाला के बगीचे के साथ लगते थे। एक दिन, वाह, लाला के बगीचे से आमों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे धीरे बोलो शिव, अगर उस खड़ूस ने अपने बगीचे का नाम तुम्हारे मुंह से सुन लिया तो ना जाने कितना बुरा हाल करेगा। उसका बस चले तो वो आमों की खुशबू को भी बगीचे से बाहर ना आने दे। हा, 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 हा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आज लाला से बात करूंगा। आज मेरी बेटी सलोनी का जन्मदिन है। मैं सोच रहा हूँ कि आम वाले लाला से 2 आम सलोनी के लिए मांग लूं। जो अपने आमों को देखने नहीं देता वे तुझे अपने आम क्यों देगा? तुम लोग रुको, मैं लाला से आम लेकर आता हूँ। अरे कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? लाला जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मुझे आपके बगीचे से बस 2 आम मेरी बेटी के लिए दे दो, वे बहुत खुश हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे के आम मांगने की? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जब शिव वहाँ से वापस आता है तो हरिया शिव से पूछता है, तुम्हारे माथे से खून आ रहा है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? आम मांगने पर लाला ने अपने नौकरों से मुझे बहुत पिटवाया। इसीलिए हमने तुम्हें मना किया था। चलो अब हम तुम्हें घर ले चलते हैं। अपने बाबा को इतनी बुरी हालत में देखकर सलोनी को बहुत दुख हुआ। बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लगी, अब आप कभी भी लाला के बगीचे में मत जाना। गांव वालों को जब इस बात का पता चलता है तो सभी मिलकर आम वाले लाला को समझाने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन लाला सभी गांव वालों को बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। अरे जाओ, बड़े आए मुझे समझाने वाले। सबको शिव के लिए बहुत दुख होता है। जो इंसान को इंसान नहीं समझता उसे तो भगवान ही समझाएगा। कुछ दिनों बाद आम वाला लाला देखता है कि उसके आम यहाँ वहाँ पड़े हैं। वह गुस्से से चिल्लाता है, किसने मेरे आमों को खाकर यहाँ वहाँ गिराया है? किसकी इतनी हिम्मत है? लगता है यहाँ कोई बंदर आ गया है जो आमों को खा खा कर गिरा रहा है। ओ जी, उस बंदर को पकड़कर इतना मारो कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। नौकर बंदर को पकड़ते हैं और मारकर बगीचे से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद वे बंदर अपने साथियों के साथ मिलकर बगीचे में लौट आता है और आम बर्बाद करने लगते हैं। जब नौकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो बंदर उन पर हमला बोल देते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। शोर सुनकर सभी गांव वाले बगीचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं, पर किसी की बगीचे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर भी हिम्मत करके सभी गांव वाले बगीचे के अंदर जाते हैं और बंदरों को भगाते हैं। लेकिन तब तक बंदर लाला और उसके नौकरों की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। गांव वाले उनको अस्पताल पहुंचाते हैं और बाद में लाला को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो शिव, और ये लो बिटिया के लिए आम की पेटी, उसे मेरी तरफ से दे देना। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और हमें अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं।